जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके जितने भी शुक्राने करूं उतने ही कम है। मैं सोते जागते, उठते बैठते, मेरी रात में अगर नींद भी खुल जाती है गुरु जी, तो मैं आपका शुक्राना करना नहीं भूलती। मेरी जबान पर अपने आप ही शुक्राना आ जाता है, क्योंकि गुरु जी आपने इतने पल पल मुझे ब्लेस किया है, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। गुरुजी, जब मैं आपसे जुड़ी तब मैं बहुत डरती थी, मुझे डर लगता था कि मेरे घर वाले मुझे आपके पास नहीं आने देंगे। मेरे अंकल, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था किसी गुरुजी के पास जाना। मैं हमेशा से बंगला साहब ही जाती थी, अभी भी बंगला साहब जाती हूँ। हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है। मेरा गुरुद्वारे से कनेक्शन ही शायद मुझे आपके पास खींच कर लाया। गुरुजी, मैं बहुत डरती थी कि मैं कैसे आपसे अपना प्यार पा पाऊंगी, मैं अपने आप को कैसे आपसे जोड़ पाऊंगी गुरुजी। बट आज मुझे ये कहते हुए इतना फख्र महसूस होता है कि सच में मेरा कोई पिछले जन्म का पिछले मेरे कर्म इतने अच्छे थे कि आपने मुझे अपना लिया, आपने मुझे सहारा दिया। गुरुजी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे कभी किसी की भी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरे रिश्ते नाते कौन कब पीछे छूटते चले गए और सब मेरी संगत बन गए। गुरुजी, अब मैं सबको संगत के रूप में देखती हूँ। हे मेरे प्यारे गुरुजी, अब अपनी कृपा दृष्टि यूं ही मुझ पर बनाए रखना। संगत जी, मैं आप सबको बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी ने आकर इस दुनिया में कलयुग को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। आज आप देखो, लोग कुछ समय पहले लोगों के बच्चे क्या करते थे, पब जाते थे, ड्रिंक करते थे, हर वक्त घूमते रहते थे, रात को देर से घर आते थे, सत्संग से दूर होते चले जा रहे थे। पर आज की डेट में एक भी इंसान अगर गुरुजी के मंदिर जाता है, परिवार का एक भी इंसान गुरुजी के मंदिर चला जाए, तो उसका पूरा परिवार धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ना शुरू हो जाता है, सबको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। संगत जी, आज यूथ को देखिए आप, इस यूथ को देखो, छोटे छोटे जवान बच्चे, यूथ के बच्चे आज गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उनसे सेवा मांग रहे हैं, मंदिर में सेवा करने को तत्पर रहते हैं। कोई कहता है मुझे शटल सेवा दो, कोई कहता है मुझे लंगर की सेवा दो, कोई कहता है मुझे यहाँ सेवा दो। गुरुजी हर इंसान को इस कलयुग से दूर करते जा रहे हैं। संगत जी, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब दोबारा से इस दुनिया में सतयुग होगा, राम युग होगा। जितने भी माता पिता, चाहे वो जितने भी एडवांस हो, उनके बच्चे उनका कहना नहीं जब मानते, कहीं ना कहीं उन माता पिता के मन में एक सवाल जरूर आता है कि मेरे बच्चे भी सत्संगी बने, पर उनकी उन पर चलती नहीं है। लेकिन जब वो माता पिता में से कोई एक भी जब गुरुजी से जुड़ जाता है, तो उनके बच्चे जो भी बुरे काम करते थे, उनका कहना नहीं मानते और संगत में नहीं रहते, सत्संग नहीं करते, वह खुद ब खुद सत्संग करना शुरू हो गए। मेरे पास दिन में कई बच्चे आते हैं और मैं उनसे सत्संग सुनती हूँ। हर कोई आते ही कहता है, बुलबुल आंटी, आप गुरुजी को मानते हो? बुलबुल आंटी, आप गुरुजी के फॉलोअर्स हो? तब मैं उन्हें जैसे ही बताती हूँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, तो वह बताते हैं कि वह गुरुजी से कब से जुड़े हैं। 24-25 साल की लड़कियाँ जो अपने घर में रोज सत्संग करती हैं। मेरे पास एक छोटी सी आंटी आई, उन्होंने बताया कि वो दिसंबर के महीने से लगातार अपने घर में हर रोज सुबह 4 से 6 सत्संग करवाती हैं और संगत आती है, उन्होंने परमानेंट दरबार बना रखा है।
ऐसी ऐसी संगत से गुरु जी मुझे मिलवाते हैं, मुझे ब्लेसिंग मिलती है, मैं इतनी धन्य हो जाती हूँ गुरु जी जब आपकी ऐसी संगत मेरे पास आती है। और वह कहती है, आंटी हम मॉल में उधर जा रहे थे, पता नहीं कैसे हम इस तरफ आ गए, आपके पास खींचे चले आए, और हमने यहाँ पर जब शुक्राना सुना गुरु जी का तो हमारा मन किया कि हम यहीं बैठ जाएं। गुरु जी ये आपकी अपार कृपा है मुझ पर, अपार बख्शिश है गुरु जी जो आपने मुझे बख्शी है, मैं आपके सत्संग सुना पा रही हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सत्संग सुना पाऊँ। गुरु जी मैं एक दुकान पे गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको जानते हैं, हमने आपके बहुत सारे सत्संग सुने हैं यूट्यूब पर, हमारा पूरा परिवार आपके सत्संग सुनता है, और उन्होंने उसी समय वहाँ मेरा सत्संग चलाया। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग, मैं तो बहुत पापी थी, बहुत ही मैं अवगुण से भरी हुई थी, आपने मुझे बख्श दिया गुरु जी, आपने मेरे सारे कर्म काटने शुरू कर दिए, मेरे सारे कष्ट काट दिए गुरु जी, आपकी अपार बख्शिश से मैं धन्य होती चली गई। गुरु जी मेरे को अपनी वो चीज़ें दी जो मैं सिर्फ सोचती हूँ, मैं सिर्फ सोचती थी कि ये ऐसा हो जाए, और वह आपने कर दिखाया। मैं संगत को अपने सत्संग इसीलिए सुनाना चाहती हूँ, हमारे गुरु जी से जो हमारा जुड़ाव है वो यूं ही नहीं बन गया, वह सिर्फ हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल है, और हमारे इस जन्म के कर्म गुरु जी काटने शुरू हो गए हैं। गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी तो सिर्फ हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, ना उन्हें किसी प्रसाद की जरूरत है, ना किसी फूलों की, ना किसी पैसे की, वो तो बस दिए चले जा रहे हैं। इतनी कृपा उन्होंने बिखेरी है कि मैं जब जब उनके गुणगान करने लगती हूँ मेरी आवाज भर्रा जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी, क्योंकि हम अपने आप को इस लायक नहीं मानते हैं कि गुरु जी हमें कितना कुछ दे रहे हैं। गुरु जी ने हमारे साथ साथ जिनसे हम मिलते हैं उन्हें ब्लेस किया, या जो लोग हमसे मिलने आते हैं उनकी ब्लेसिंग भी हमें देते हैं। संगत जी अगर हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, लोगों को अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताते हैं, तो आप ये देखो कि इससे भी आपका ही फायदा होता है। वो संगत जो कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर, प्रश्न लेकर अपने मन में उधेड़ बुन में थी, बहुत ही नेगेटिविटी में थी, वो उसकी सोच पूरी नेगेटिव थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जब आपने अपना एक भी सत्संग उन्हें सुनाया कि आपको कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, तो शायद कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भी गुरुजी के साथ जुड़ जाता है, और गुरुजी उसके कर्म काटने शुरू कर देते हैं। संगत मेरे पास से जब जाती है तो कई संगत, नई संगत वो यही बोलती हैं, हम कभी नहीं गए गुरुजी के यहाँ, जब वो हमारे साथ बैठकर पल दो पल गुरुजी की बातें सुनती हैं तो जाते जाते जय गुरुजी कहना नहीं भूलती, मैं चाहे भूल जाऊं पर वो मुझे जाते हुए जय गुरुजी बोलकर जाते हैं। यही तो हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। मेरी यही अरदास है गुरुजी, मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना, गुरुजी आप हमेशा अपनी शरण में मुझे बनाए रखना, मेरे सर पर आपका प्यार भरा हाथ ऐसे ही बना रहे, और आप ऐसे ही मुस्कुराकर मुझे देखते रहो, मुझे और मेरे पूरे परिवार को, पूरे संसार को ऐसे ही ब्लेस करते रहो। गुरुजी मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा हूँ मैं आपके सत्संग यूं ही सबको सुनाती रहूं, और आप जिस जगह जिस ड्यूटी जो सेवा मेरी लगाना चाहो वो लगा दे, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी। गुरुजी मैं आपके जितने भी शुक्राने करूं उतने ही कम है, मैं सोते जागते उठते बैठते, मेरी रात में अगर नींद भी खुल जाती है गुरुजी तो मैं आपका शुक्राना करना नहीं भूलती, मेरी जबान पर अपने आप ही शुक्राना आ जाता है, क्योंकि गुरुजी